कोरोना काल में भी स्वास्थ्य विभाग नुहू मलेरिया को लेकर कम भी नजर आ रहा है। मलेरिया से निपटने के उपाय शुरू कर दिए गए हैं। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि गत वर्ष जिले में मलेरिया के 942 केस मिले थे, इसलिए यह लक्ष्य प्राप्त करना अधिक कठिन है। इस कार्य में सभी विभाग आपसी समन्वय से अपनी जिम्मेदारी निभाएं और सभी जिलावासी मच्छरों को पनपने पर रोक लगाने में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें। नुहू डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि कोरोना रोग के मद्देनज़र स्वास्थ्य विभाग पर पहले से ही काफ़ी दबाव है, इसलिए आगामी मानसून सीजन में पानी में पैदा होने वाले एनाफिलीज व मच्छरों के पनपने पर रोक लगाना बहुत आवश्यक है ताकि डेंगू व मलेरिया ना फैले। उन्होंने कहा है कि इस कार्य में सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सभी अधिकारी कर्मचारी दफ्तरों की नियमित सफाई करवाएं, पानी की सैंपलिंग व पार्टर की नियमित सफाई करवाने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जलापूर्ति लाइन के लीकेज पर विशेष ध्यान दिया जाए। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। जो टोटल केस हैं अब तक के, आज तक के, वो 14 हैं। दो तरह के मलेरिया केस पाए जाते हैं, एक पीवी और एक पीएफ। तो दो हमारे पीएफ के हैं और 12 हमारे पीवी के हैं। और सारे के सारे केस ये नुहू ब्लॉक से ही आए हैं, जिसमें से उझीना में सबसे ज़्यादा हैं और ताउडू से दो केस। और रही बात की, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम चला हुआ है मलेरिया रोधी माँ है ये, इसमें हमारी जो टीम है मलेरिया वर्कर हैं वो घर घर जाकर लोगों को अवेयर करेंगे, आईसी करेंगे, बताएंगे कि भी आप लोगों को मच्छर पैदा ना होने दें। इस तरह का काम कूलर जैसे अपना खाली करना है हफ्ते में एक बार, बाकी जो आसपास जो पानी के भराव हैं उनमें तेल डालना है, खाली करना है। और इसके अलावा जो मच्छरदानियाँ आपको दी गई हैं उनको इस्तेमाल करना है रोज़ाना, या जहाँ मच्छरदानियाँ या और कुछ नहीं है तो मॉस्किटो रेपेलेंट है, गुड नाइट्स, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। और फीवर ट्रीटमेंट डिपो बनाए गए हैं गाँव गाँव में, जिसको भी बुखार है वो सबसे पहले जाकर अपनी मलेरिया की जांच कराए। मलेरिया मिलने पर जो उसका दवाई का जो कोर्स होता है वो 3 दिन का और 14 दिन का, डिपेंड करता है कौन सी तरह का मलेरिया है, तो वो ज़रूर सुनिश्चित करें कि पूरा कराए। इसके अलावा जो अब हमारे जो गैंग हैं, 27 गैंग हैं, जिसमें से 13 पुनहाना में और 14 मुँह में लगे हुए हैं, तो वो दवाई छिड़काव का काम कर रहे हैं 1 मई से लेकर जो 30 सितंबर तक चलेगा। इसमें मेवात ज़िले के लगभग 150 गांव हमने कवर करने हैं और 45 दिन के लगभग ये काम करते हुए हो गए हैं। तो लोगों से यही अपील है, जब भी इस तरह के जो दवाई छिड़काव करने वाले आपके घर पर आते हैं तो उनका पूरा सहयोग करें और पूरे घर को जहाँ आप सोते हैं उनको ज़रूर छिड़काव कराएँ दवाई का। ये दवाई बहुत ही कारगर है, ठीक है, इसका छिड़काव कराने से मलेरिया बढ़ने में, मतलब मलेरिया को रोकने में बहुत कामयाबी मिलेगी।